हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लैशेस क्रिकेट लाउंज। और एक बहुत ही बेहतरीन जीत मिलती हुई यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब को और राजस्थान रॉयल्स की। यार हम पता नहीं, अब बेचारों पे ना तरस आने लग गया, जैसे पहले आरसीबी पे आता था ना, अब राजस्थान रॉयल्स पे आने लग गया वो तरस, क्योंकि लगातार मैचेस जो हैं वो हारते जा रहे हैं। एक मोमेंटम से आए थे यहाँ पे, विनिंग मोमेंटम से, कि पिछला मैच जीते थे, लेकिन फिर से वही चीज़ जो कि आरसीबी के साथ हुई, एक मैच जीता और फिर हार गए अपना अगला मैच। बिल्कुल, और हम कह रहे थे कि शायद दो कॉन्स्टेंट से चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी, वेल आई थिंक राजस्थान रॉयल्स को भी इस इक्वेशन में लाना पड़ेगा। आयुष सेवेंथ पे एंड दीज थ्री टीम्स आर द पिलर्स ऑफ द आईपीएल, जिसके से अभी आईपीएल खड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स टॉप पे, लास्ट में आरसीबी, ऑफिस सेवेंथ पे और राजस्थान रॉयल्स। वैसे भी आपको फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए होता है, तो इसलिए दो टीमें जो है वो खेलते रहो, आप जो करने आप वो करते रहो, सेकंड थर्ड फोर्थ की लड़ाई। लेकिन यार वेरी डिसअपॉइंटिंग, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि राजस्थान शायद आराम से जीत जाएगा, लेकिन जैसे जॉस बटलर ने परफॉर्म नहीं किया, आपको मालूम था कि इवेंचुअली जाके जैसे मिडल में अश्विन आएंगे, बहुत अच्छी कप्तानी करी वापस से। आप चाहे उनके बारे में कुछ भी कहिए, उनकी कैप्टनसी कुछ ना कुछ करके अच्छी होती थी और पंजाब को जिता था, और क्या बॉलिंग करी उन्होंने। आई थिंक वो सिलेक्टर्स को एक तमाचा मार रहा है कि आपने मुझे कंटेंशन में लिया ही क्यों नहीं, और शायद मुझे भी होना चाहिए था उस वर्ल्ड कप स्क्वाड में। लेकिन क्या बॉलिंग करी, 2 विकेट 24 रन, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बॉलिंग करी। अगर हम यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो यार एस्टन टर्नर को आप लेके आए, एस्टन टर्नर आज 0 पे आउट हो गए, पहली बॉल पे ही आउट हो गए। गोल्डन डक मिला उनको, आईपीएल में अपना डेब्यू करा, वहाँ पे अपना गोल्डन डक बनाया उन्होंने, क्या बात है ना वाली। 0-1 तो पहली बॉल पे आउट हो गए, तो गोल्डन डक मिला। लेकिन आप एस्टन टर्नर को अब एक मैच से आप उनको जज नहीं कर सकते, उनके लिए पहला मैच था और ठीक है। और आप जैसे आपने कोलकाता के साथ देखा, जो डेनली बेचारे एक मैच में नहीं चले तो आपने टीम से बाहर कर दिया, और क्रिस लेन तो पता नहीं कितने सीजन से नहीं चल रहे, तो आपने अपने टीम में उनको रखा। तो एस्टन टर्नर को एक मौका तो और देना चाहिए। क्यों वाली, बिल्कुल, आप कभी भी एक बंदे को एक बॉल से कभी जज नहीं कर पाते। अगर वो 0 पे आउट हुआ है पहली बॉल पे, सो नेवर जज हिम। आप उस प्लेयर को जज करो जैसे अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर, संजू सैमसन जैसे प्लेयर। संजू सैमसन ने 27 रन्स स्कोर किए, 21 बॉल्स खेले, 21 बॉल है। रहाणे ने 26 रन स्कोर किए और उन्होंने भी 21 बॉल, तो 21 बॉल में आप पूरे सेटल हो जाते हो, 21 बॉल में आपका स्कोर और ऊपर होना चाहिए था। आप ऐसे प्लेयर्स को जज करना चाहिए। एस्टन टर्नर को डेफिनेटली एक और मौका मिलना चाहिए, और मुझे लगता है इस मैच के बाद शायद रहाणे फिर से ऊपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि नंबर 4 पे कुछ नहीं कर पाए थे और इतने अजीब बैट्समैन लग रहे थे कि उनसे चौके चौके लग नहीं रहे थे, स्वीप मार रहे, पता नहीं क्या क्या कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है इस बेचारे त्रिपाठी को वापस से नंबर 4 पे आना चाहिए। लेकिन यार एक बंदे की तारीफ करने भूल गया है राजस्थान के कैंप से, स्टुअर्ट विनी की, थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम काफी उनको क्रिटिसाइज करते हुए आए, लेकिन आज जो स्टुअर्ट विनी करके गए ना, आई थिंक वो उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी कि वो ऐसा खेल जाएंगे। हमें लग रहा था कि शायद आखिरी ओवर में जब 23 रन चाहिए थे और जिस फॉर्म में थे स्टुअर्ट विनी, हमें लग रहा था कि यार कहीं 4 छक्के मार ना दे और कार्लोस ब्राथवेट वाला जो सीन है वो फिर से ना हो जाए, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ब्राथवेट मार देंगे 4 छक्के, क्योंकि आंद्रे रसल थे उनके साथ, सबको लगा था कि वो 4 छक्के मारेंगे, लेकिन उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर भी शायद स्टुअर्ट विनी जो है एक स्टार बन सकते थे, लेकिन देखिए आप इतने टाइम बाद आए, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि 4 बॉल पे 4 छक्के मार देंगे तो वो थोड़ी सी नाइंसाफी होगी वाली। बिल्कुल, लेकिन आयुष सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट क्या था मेरे हिसाब से, आखिरी ओवर में 17 रन आए थे और किंग्स इलेवन पंजाब के बैट्समैन कौन था उस टाइम, रविचंद्रन अश्विन, 5 बॉल में 17 रन मारे उन्होंने और 2 विकेट भी लिए 24 रन पे। तो गेम चेंजिंग मोमेंट जो था वो आखिरी बॉल, आखिरी ओवर था, और आप देखिए 12 रन से जीते। अगर आप 10, 8 या 9 रन देते तो शायद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत भी सकता था। तो यही इसलिए कहते हैं कि आखिरी ओवर जो होते हैं ना, आखिरी 2 ओवर या आखिरी ओवर T20 में बहुत क्रूशल है, और वहाँ पे पंजाब ने बाजी जो है अपने नाम कर ली। बिल्कुल, आप याद रखिए 4 ओवर 4 बॉलों में 17 रन, 425 का स्ट्राइक रेट था आर अश्विन का। तो वही जो है वो एक गेम चेंजिंग मोमेंट बना, आपको जीत की तरफ लेके गया, वो 165 से 182 तक लेके गया, और वो जो डिफरेंस है ना, वो 12 रन का जो डिफरेंस है, तो वो आज लोगों को पता चल रहा होगा कि वो क्रिकेट में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। उनको लगता है कि यार सिर्फ 12 रन ही तो है, दो हिट लगते हैं और सिर्फ 12 रन बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ है। तो किंग्स इलेवन पंजाब अभी भी 4th नंबर पे ही बनी हुई है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो नीचे आ गई है, वो 5वें पे आ गई है, 4th पे आ गई है, लेकिन मुंबई इंडियंस अभी भी नीचे है, क्योंकि उनका जो रन रेट है वो थोड़ा सा कम है। थर्ड पे मुंबई इंडियंस, तो नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस से नीचे है किंग्स इलेवन पंजाब, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद रन रेट के हिसाब से कहीं ऊपर ना चले जाए, लेकिन अभी भी 4th स्थान पे है। तो आज का जो है मैच है ये यहीं पे खत्म हुआ, 12 रन से मैच जीती है किंग्स इलेवन पंजाब, तो काफ़ी अच्छी विन है।
इनके जो मोमेंटम उनका जो जो होगा वो बहुत अच्छा यहाँ पे मिला होगा। लेकिन कल के बारे में अगर हम बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स, आप किसको चुन रहे हैं? यार सनराइज हैदराबाद डिस्टॉर्ट है, पूरी बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। और दूसरी तरफ आप चेन्नई सुपर किंग्स को देखो, उनका रोकना मुश्किल है, वही ट्रेन की तरह जो कि चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो मुझे लगता है यार चेन्नई सुपर किंग्स फिर से कल अपना और क्या करना है आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है, दो बैट्समैन आउट करना है बस, सामने हो गया काम। और आपके पास क्या बोले थे, इमरान ताहिर, हरभजन सिंह, शार्दुल ठाकुर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे, दीपक चहर है आपके पास और मिचेल सैंडर, तो दो विकेट आपने ले लिए, गेम आपके हाथ में। बिल्कुल, लेकिन मैं कल चाहूंगा कि सनराइजर्स हैदराबाद जीते। तो बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही, आज का मैच खत्म हुआ, किंग्स इलेवन पंजाब ने 12 रन से जीता। कल 7:20 पे हम फिर यहाँ पे आएंगे, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स फ्रॉम हैदराबाद। तो कल तक के लिए मैं और वली साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, शब्बा खैर, तो स्टे ट्यून्ड टू स्पोर्ट्स फ्लैशेज़।